चंदौली जिले में रेल संपत्ति की रक्षा करने वाले रेलवे सुरक्षा बल के एक क्लर्क ने विभाग के जवानों के एरियर से छेड़छाड़ कर करोड़ों रुपए का गबन किया है। पूरे मामले की जांच करने के बाद मुगलसराय पुलिस ने क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कहा कि जब आरपीएफ के सिपाही के पीएफ का पैसा फंसा तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी के पास से प्रिंटर और मोबाइल भी बरामद किया है। बता दें कि आरोपी डीआरएम ऑफिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली में तैनात था। इसने 3 करोड़ से अधिक की धनराशि की हेराफेरी की। आरोपी ने बताया कि उक्त रुपयों की गाड़ी भूमि अधिग्रहण किया और पत्नी के नाम पर शराब व्यवसाय में पैसा लगाया। आरपीएफ डिपार्टमेंट द्वारा एक सूचना टेरिट दी गई थी कि एक क्लर्क युवराज सिंह है, उसके द्वारा करोड़ों रुपए का गबन किया गया है। उस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके आगे छानबीन उसमें की गई है। जो ये आरोपी है युवराज, इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पूछताछ और अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि ये एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम जो पुलिस द्वारा डेवलप किया गया है, उसमें सेंधमारी करके इसने जो रेलवे के कई कर्मचारी ऐसे थे जिनके खातों को इसने अपने उनके खातों के स्थान पर अपने और अपनी पत्नी के नाम 13 से ज़्यादा अकाउंट थे जो इसने उसमें चेंज कर लिया था, जिससे उनका पैसा इसके अकाउंट में आता था। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कंग्रेचुलेट चंदौली पुलिस टीम अंडर कैप्टन अनिल कुमार सर फॉर देयर आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स। ये जो हमारा बुकिंग क्लर्क युवराज सिंह का मॉडस ऑपरेंडी, ये चालू हो गया 2018 मार्च से इस 2023 अक्टूबर तक, लगभग 4 और 5 साल के ये चल रहा था। तो इस मॉडस ऑपरेंडी में स्टाफ का अकाउंट नंबर बदलता था और स्टाफ का सैलरी ऑलमोस्ट 12 to 13 अकाउंट्स में जाता था। उधर से वापस 30 तारीख को जब स्टाफ सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी दिन वापस भेजता था, और बीच में ये एक्स्ट्रा एरियर, एक्स्ट्रा डीए, एक्स्ट्रा एरियर और अलाउंसेस डाल के वो अपना खाते में रखता था। तो वैसे वैसे हमारा कैलकुलेशन के अनुसार 3,61,78,000 अभी तक आया है। आगे पीछे जा सकता है, पर अभी तक अपना इंटरनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में पता चला है। इस मॉडस ऑपरेंडी में हमारा आईपास सिस्टम है। आईपास सिस्टम का इट इज़ डिजाइंड फॉर सैलरी देने के लिए, उसमें थोड़ा कुछ कुछ लूप होल्स यूज करके इन्होंने किया। तो आईपास सिस्टम का कुछ कुछ छोटा मोटा लूप होल्स, वो उसका कैसे ठीक करना है उसका जांच अभी चल रहा है। बाकी हमारा 38 स्टाफ का सैलरी उन्होंने अपना खाता में लेके गया। इसके अलावा अगर बाकी भी डिपार्टमेंट में ऐसा कहीं हो रहा है कि नहीं, उसका इंटरनल कमेटी डीआरएम साहब ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया है, तो वो जाँच अभी चल रहा है।